नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हेल्थ टिप्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो अब शुरू होने वाले सर्दियों में अपने चेहरे को खूबसूरत बनाए रखने से संबंधित है। जी हाँ, सर्दियों के अंदर क्या होता है, आपके फेस के त्वचा जो हैं वो रूखे हो जाते हैं, हाथों के जो स्किन हैं वो भी रूखे हो जाते हैं, और क्या होता है, खींचा खींचा सा महसूस होता है। आप कितना भी क्रीम लगा लें, कुछ लगा लें, लेकिन आपको थोड़ा खींचा खींचा सा लगता है और त्वचा फटने भी लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके त्वचा में रूखापन आ गया है, टाइट लग रहा है, फटा फटा सा, खींचा खींचा सा लग रहा है, तो उसे कैसे कोमल सॉफ्ट बना सकते हैं। जी हाँ, सर्दियों में आपको आपकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए बिल्कुल आसान सा टिप्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये है एलोवेरा लीव, एलोवेरा की पत्ती, और एलोवेरा में यूँ तो दर्जनों सारे बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है और उसे छुटकारा दिलाने की ताकत होती है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इससे अपने फेस को कैसे चमका सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा में कई सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। इसमें 12 विटामिन, 18 एमिनो एसिड, 20 खनिज और 75 पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें 200 सक्रिय एंजाइम शामिल होता है और इसके अंदर रासायनिक खनिज, कैल्शियम, जिंक, जस्ता, तांबा, पोटेशियम, लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम और मैग्नीज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B12, B6, B2, B1, विटामिन ए, नियासिन और फॉलिक एसिड शामिल होता है। और यही कारण है कि इसके उपयोग से हमारे शरीर में होने वाले कई सारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। और खासकर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ त्वचा से रिलेटेड, उसके लिए ये रामबाण का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई होता है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी एजिंग तत्व पाए जाते हैं, एंटी फंगल तत्व भी होता है, जो आपके स्किन से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड डिजीज के लिए बहुत ही कारगर होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, क्या करें, एक एलोवेरा का पत्ती ले लें और इसे आगे से इस प्रकार से कट कर लें और इसके अंदर एक जेल होता है, गूदा होता है, उसको निकाल कर एक बाउल में या एक कटोरी में रख लें और उसे एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को पी लें। आप इसे नॉर्मल ऐसे भी पी सकते हैं और चाहें तो इसे आप हल्का गुनगुना पानी में डालकर भी पी सकते हैं। ये देखिए, ये जेल है इसका, ये जो जेल है वाइट वाइट, मैं अभी निकाल कर आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जेल है, ये आप देख पा रहे हैं। इसे एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को आपने लेना है। ये तो जेल हो गया, इसके अलावा ये जो ग्रीन वाला हिस्सा बच जाए, इसे आपने अपने फेस पर, अपने हाथों पर या जहां कहीं भी आपको लगे कि आपका स्किन सूखा हुआ है, रूखा हुआ है, ड्राई हो रहा है, उस पर आप इस प्रकार से 3 से 4 मिनट तक आप इसे करें और 10 मिनट तक यूं ही छोड़ दें। 10 मिनट के बाद आप अपने फेस को या जहां कहीं भी आपने इसका इस्तेमाल किया है, इसे लगाया है, उसे गुनगुना पानी से, थोड़ा गर्म पानी से धो लें। अगर आप इसका इस्तेमाल रोजाना करेंगे तो आप यकीन जानिए आपके ऊपरी त्वचा तो साफ होंगे ही, क्योंकि आप ऊपर से इसे लगा रहे हैं और आप क्योंकि इसका सेवन भी कर रहे हैं, इसलिए आपके अंदर का जो त्वचा है वो भी साफ हो जाएंगे और आपके ब्लड भी प्यूरिफाई हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो एंटीबैक्टीरियल तत्व होता है, एंटी फंगल तत्व होता है, उसके कारण
जो हमारे अंदर के घाव हो जाते हैं वो जल्दी भर जाता है। स्किन के अंदर भी घाव होते हैं, वो आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन आपके चेहरे के अंदर झाइयाँ पड़ जाती है, काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, वो जो होता है वो अंदर एक तरह का जख्म हो जाता है त्वचा के अंदर, उसके कारण होता है। और जब आप इसका सेवन करते हैं, इसको खाते हैं, तो आपको अंदर से आपके जो घाव हो जाते हैं वो भर जाता है और आपका ब्लड भी प्यूरिफाई हो जाता है और आपका जो खूबसूरती है वो निखर कर सामने आ जाता है। और आप देखेंगे कि आपके चेहरे में एक अलग सा रौनक आ गया है, चमक आ गया है, ग्लो आ गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यह आपको सर्दी में जो खासकर त्वचा आपका रूखा हो जाता है, टाइट हो जाता है, खींचा खींचा सा लगता है, आप अगर अपने स्किन पर यूं करेंगे तो वाइट वाइट निशान पड़ जाता है, वो वाइट निशान आपको नहीं पड़ेगा, जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं हमें नहीं आ रहा है क्योंकि मैं इसे यूज़ करता हूं। आप अपने स्किन पर जब यूं करेंगे तो आपको वाइट वाइट सा निशान पड़ता अगर दिख रहा हो तो आप समझ लीजिए कि आपका जो स्किन है वो रूखा होना शुरू हो गया है, आप उस पर जेल लगाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, देखा आपने एलोवेरा जेल के कितने सारे फायदे हैं आपकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो ये घंटी है, नोटिफिकेशन बेल है, इसको भी दबा दें ताकि आपको हर रोज नए नए टिप्स, नए नए वीडियो देखने को मिले। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।